अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना के एक्स हेल्थ मिनिस्टर एटेला राजेंद्र 14 जून को बीजेपी पार्टी में शमूलियत हासिल करेंगे। स्टेट इंचार्ज तरुण चुक ने आज एटेला राजेंद्र के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इनके साथ नजर आए हैदराबाद के कायद बंडी संजय और दीगर बीजेपी के कायदीन भी नजर आए। नाज़रीन, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी हबीबनगर पीएस लिमिट से, मांगड़ बस्ती से, जहां पर एक बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, जहां पर खुले तलवार और खंजरों से डांस किया गया था। वो वीडियो वायरल होने के बाद आज हबीबनगर के एसएसओ ऑफिसर ने उस बर्थडे पार्टी में नाचने वालों को, कुल मिलाकर 9 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया और उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाकर उनको जेल भेज दिया। सत्या टीवी के रिपोर्टर सद्दाम को जान से मार देने की धमकी देने के बाद काशी नरेश के खिलाफ अंबरपेट पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। काशी नरेश, जो कि काजीगुड़े के रहने वाले थे, इनके ऊपर पहले से ही कई केसेस दर्ज थे। शहर हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने किया बड़ा बेहतरीन कारनामा। डॉक्टर बी नागेंद्र और उनके जूनियर डॉक्टर्स ने मिलकर एक 17 साल नौजवान लड़की की जान बचाई। ये 17 साल नौजवान लड़की रहने वाली थी गगन पहाड़ की। बड़ी हैरत की बात है कि इस लड़की के पेट में से 2 किलो बाल निकले। ये बाल लड़की के पेट में कैसा गए पता नहीं। बहरहाल ये बाल जो है बॉल की शक्ल अख्तियार कर लिए थे। 2 किलो का बाल का लुंडा बन गया था लड़की के पेट में। बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल डॉक्टर बी नागेंद्र और उनके साथियों ने मिलकर ये ऑपरेशन को कामयाब किया और इस लड़की की जान बचाई। तेलंगाना के निर्मल दोस नगर ब्रिज के पास एक हादसा पेश आया। एक कार और एक बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसमें से एक शख्स की मौके वारदात पर ही मौत हो गई। बड़ा खौफनाक ये मंजर था, बड़ा खौफनाक ये एक्सीडेंट था। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर होने के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने गांधी भवन के बाहर धरना दिया। मुसलसिल ये धरना जो है 5 दिन तक चलेगा, इस तरह से कहा TPCC प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने। हैदराबाद के सिटी कमिश्नर और पुलिस अंजनी कुमार ने कल देर रात गए बारिश के दौरान मुख्तलिफ चेक पोस्टों का जाकर दौरा किया। रविंद्रा भारती, जुबली हिल्स और मासाटम जैसे चेक पोस्टों के पास जाकर वो खुद खड़े रहे और वहां आते जाते गाड़ियों की चेकिंग की। दरगाह यूसुफन की खिदमत करते हुए, दरगाह यूसुफन की मस्जिद की इमामत करते हुए सैयद हबीब शाह खादरी के 60 साल मुकम्मल होने पर उनकी आज गुलपोशी की गई। तो बहरहाल 60 साल से लगातार जो है मस्जिद की इमामत करते आ रहे थे। अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।